नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि आरक्षण को लेकर 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग को केंद्र सरकार ने दिया था उसे लागू कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो बातें हैं लोग लगातार पूछ रहे हैं, इसे कब से लागू किया गया है, ये मोदी सरकार का जुमला है, इस तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं साफ करना चाहूँगा, यहाँ पर इस समय नव भारत टाइम्स की वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर ये दोस्तों साफ साफ लिखा गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो वैकेंसी आ रही है, अभी अभी वैकेंसी आ रही है, उनमें ये जो 10% आरक्षण की बात कही गई थी, उन वैकेंसी में ये कहीं इन बातों का जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं साफ साफ बता दूँ, जो आरक्षण का प्रावधान 10% की बात कही गई है, वो आरक्षण 1 फरवरी 2019 के बाद की नौकरियों, मतलब जो वैकेंसी 1 फरवरी 2019 के बाद निकल रही है, उनमें इसका लाभ लोग उठा पाएंगे। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, 1 फरवरी के बाद से जो आवेदन निकल रहे हैं, नौकरियां निकल रही 1 फरवरी 2019 के बाद से, उनमें इसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया। देखिए, आप साफ तौर पर यहाँ एनबीटी में साफ तौर पर यहाँ पे इसे पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें कहा गया है कि सामान्य वर्ग के, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये कहा गया है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 1 फरवरी से केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार का कार्मिक विभाग ने 19 जनवरी को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में इस संबंध में जानकारी दी है। दोस्तों, 19 तारीख को इससे संबंध में ये जानकारी दी गई है। इसी रिगार्डिंग ये बात कही जा रही है कि अब जो जो वैकेंसी 1 तारीख के बाद से आ रही हैं, 1 फरवरी 2019 के बाद से जो वैकेंसी आ रही हैं, उनमें ये लागू। तो दोस्तों, जो संशय आपके मन में थी, जो भय आपके मन में था कि अभी जो वैकेंसी आ रही है उनमें लागू नहीं किया जा रहा है, इस साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि 1 फरवरी के बाद से जो वैकेंसी आ रही है उनमें ये लागू कर दिया जाएगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि एसएससी की वैकेंसी, जो एसएससी की वैकेंसी आई है, एसएससी की वैकेंसी में ये इन बातों का जिक्र नहीं किया गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो एसएससी की वैकेंसी आई है वो पुरानी वैकेंसी है, जो जिनका एग्जाम बहुत पहले, जो जिनके फॉर्म आपने बहुत पहले भर दिए थे, तो इसका मतलब उसमें ये लागू नहीं होगा। लेकिन जो 1 फरवरी के बाद से जो भी वैकेंसी आएंगी, जो सरकार में, जो 1 फरवरी के बाद से जो आवेदन जिनमें लिए जाएंगे, उनमें ये लागू होगा। इनमें साफ बातें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन है वो 19 फरवरी को यहाँ पे लागू होना है, होने वाला है। तो दोस्तों, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि किन किन बातों का जो जिक्र किया गया, आगे क्या क्या बातें कही गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे सामने लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 1 फरवरी से केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। मतलब 1% पे देख लीजिए, 1 फरवरी के बाद से ही बात कही गई है। केंद्र सरकार की वह नौकरियां जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया की अधिसूचना 1 फरवरी या उसके बाद जारी होगा, सभी में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 फरवरी या उसके बाद की बात कही गई है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अधिसूचना 1 फरवरी या उसके बाद जारी होंगे, उसके बाद जारी होने वाली नौकरियों की बात कही गई है। आप एकदम से भ्रम दूर कर दीजिए कि इससे पहले वाली जो वैकेंसी आई है, जो इससे पहले की वैकेंसी है, जो एग्जाम अब कंडक्ट किए जा रहे हैं, उनकी बात एकदम नहीं कही गई है। उसके बाद जितनी वैकेंसी आई है उनमें इसका लाभ आप उठा सकेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा गया, इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए आरक्षण के लिए जरूरी नियमों का उल्लेख किया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 19 जनवरी को कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि सामान्य वर्ग के वह लोग जिन्होंने अब तक किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लिया है और जिनके परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये से कम है, वह सभी इस नई आरक्षण व्यवस्था के तहत पात्र माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, परिवार के रूप में इन्हें माना जाएगा हिस्सा। आगे बताया गया कि किन किन विभाग के आदेशानुसार आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले शख्स के साथ साथ उसके माता पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई बहन, पत्नी और नाबालिग बच्चों को परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा आरक्षण की अर्हता की जाँच के दौरान परिवार के सभी स्रोतों कुल आय की जांच की जाएगी। इस दौरान खेती, नौकरी, व्यापार एवं अन्य मदों से परिवार की कुल आय को जोड़ा जाएगा और अगर यह 8 लाख रुपए से कम होती है तो आवेदक को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आप जिक्र करिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इस दौरान खेती, नौकरी, व्यापार एवं अन्य मदों, मतलब इन सभी को मिलाकर 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। मतलब आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो खेती, आपसे खेती से पा रहे हैं, नौकरी से पा रहे हैं, व्यापार से पा रहे हैं, इन कुल में मिलाकर 8 लाख से यदि कम है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस तरह की बातें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों
आगे क्या कहा गया है दोस्तों, ये आगे कहा गया है कि एक 5 एकड़ से कम जमीन होने से लाभ मिले, कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रस्ताव के अनुसार जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से या उससे अधिक खेती योग्य भूमि या 1,000 स्क्वायर फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का घर होगा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही लोगों जिनके पास 200 गज से अधिक बात की गई अनुसूचित जमीन, इस तरह की जो बातें की गई हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते दोस्तों, आगे कहा गया कि आखिरकार आप कहाँ से इसे इसका प्रमाण पत्र कहाँ से पा सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर सक्षम अधिकारी की बात की गई है कि सक्षम अधिकारी से ही प्रमाण पत्र लेना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि विभागीय ज्ञापन के अनुसार आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित आवेदक परिवार को तहसीलदार या उससे ऊपर के सक्षम अधिकारी से अपनी आय की संपत्ति का प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रमाण पत्र को हासिल कर पाने वाले सभी लोगों जो कि अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं, वह 1 फरवरी 2019 या इसके बाद की विज्ञप्ति अधिसूचित हुई केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में आरक्षण को लाभ ले सकेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया हुआ 1 फरवरी 2019 या इसके बाद विज्ञप्ति एवं अधिसूचित हुई केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में दोस्तों, 1 फरवरी 1 फेब 2019 के बाद की जो भी नौकरियाँ हैं, 1 फरवरी 2019 के बाद से जो भी नौकरियां निकलेंगी, पहले की वैकेंसी नहीं जो आपने फॉर्म भर दिया है, उसके बाद से जो भी नौकरियां निकलेंगी, अब जो फॉर्म आपने भरेंगे उसमें इसका लाभ 10% लाभ आप उठा पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूपीएससी की बात कर लेते हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, यूपीएससी के जो 2 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, जो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको 19 फरवरी को आने वाला है। तो दोस्तों इसमें साफ तौर पर ये जो वैकेंसी है वो 1 फरवरी के बाद आ रही है। अब 19 फरवरी को जो वैकेंसी आ रही है वो आप साफ तौर पर दिखाएंगे कि 1 फरवरी के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो 1 फरवरी के बाद वाली, जैसे कि हम सभी जानते हैं, 10% आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। तो आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि यूपीएससी की जो वैकेंसी आएगी उनमें साफ तौर पर जो वैकेंसी आएगी उनमें साफ तौर पर ये जो 10% आरक्षण की बात कही गई है वो उनमें इस बात का जिक्र किया जाएगा। मतलब 10% जो आरक्षण की बात कही गई है, रिजर्वेशन की बात कही गई है, वो यूपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उनमें देखने को, या फिर इन फ्यूचर में जो भी वैकेंसी 1 फरवरी के बाद अब आ रही है जिनमें आप फॉर्म भरोगे, नया ताज़ा जो भी वैकेंसी आएगी उनमें इसका लाभ आप उठा पाएंगे। तो दोस्तों जिस तरह का बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अभी तक मोदी सरकार ने इसका जुमला है, ये इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों, इन्हीं कमेंट्स को साफ करने के लिए मैंने बाकायदा आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट और बहुत से अमर उजाला, बहुत से ऐसी टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ये साफ तौर पर इसका जिक्र किया गया है और साफ तौर पर मोदी सरकार ने इसका एक ज्ञापन भी दिया है जिसके तहत 1 फरवरी के बाद से जितनी वैकेंसी आ रही है उनमें इसका जिक्र किया जाएगा, उनमें इन जो 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनमें इसका लाभ वो उठा पाएंगे। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद से आपके मन में जो भी संशय थी वो दूर हो गई होगी और जो भी आप वैकेंसी आएगी उनमें इसका लाभ आप उठा पाएंगे।